श्राद्ध कर्म के लिए जब पंडित जी को बुलाया जाता है तो वे श्राद्ध की सामग्री तो साथ ले जाते हैं पर भोजन पाने से मना कर देते हैं। ऐसे में हमें अपने पितरों की संतुष्टि के लिए क्या करना चाहिए? आपका कहना है कि सीधा सामान देते हैं, वस्त्र आदि, फल आदि देते हैं, साथ ले जाते हैं, और जो भोजन होता है उसको लेते नहीं हैं, और इसमें पंडितों का कोई दोष नहीं है। कारण क्या? एक अनार 100 बीमार। तो हर व्यक्ति पंडितों को यदि भोजन कराने लगेगा, एक पंडित जी है पूरे मोहल्ले में, मंदिर में। अब बताइए, स्वयं सोचिए, अकेला पंडित किस किस घर में खाएगा? तो ऐसी स्थिति में केवल एक ग्रास, सिर्फ इतना सा, बस मुंह में डाल ले, हो गया, बस इतना ही बहुत है। और बाकी जो है, आप परसें थोड़ा, पता कि सब घरों में जा रहा, इतना सा कटोरी में पर दे कि पंडित जी बस थोड़ा सा मुंह में ले लो, जो नीम पूरा हो जाए, और इससे वो संतुष्ट है, प्रसन्न हो जाएगा। और पंडित की प्रसन्नता तुम्हारे पितरों के पास पहुंच जाएगी, वो प्रसन्न हो जाएंगे। और आप जबरदस्ती खिलाएं, जबरदस्ती खिलाए, मन मार के दुखी होके खा रहा है, तुम्हारा मन मारने करने के लिए, तो अंदर से वो दुखी हो रहा है, तो वो दुख भी तुम्हारे पितरों के पास पहुंच जाएगा। इसलिए जबरदस्ती खिलाने में नहीं करनी, बस एक कटोरी में थोड़ा सा खीर दे दो, बस पंडित जी मुंह में लगा लो, अलग, बस जबरदस्ती ना करो। और गाय माता को भोजन करा दो, चींटियों को खिला दो, और पक्षियों को खिला दो, कुत्ता द्वार पे है उसको भी रोटी डाल दो, और पंडित जी को उसमें से थोड़ा सा पंडित जी को भी दे दो, ऐसा करो। बाकी जो साथ ले जा रहा है उसको, अच्छी बात है, साथ घर ले जाए, बाल बच्चे लेंगे, कल काम आएगा, परसों काम आएगा। ये स्थिति है। अब तो पंडितों की संख्या आने वाले समय में बहुत कम हो रही है, ये इतना घोर कलयुग है, लोग हाथ धो करके पंडितों के, ब्राह्मणों के पीछे पड़ गए हैं, बहुत बुरा हो रहा है। गाय की भी बहुत बेकदरी हो रही है, और ब्राह्मण की बड़ी बेकदरी हो रही है, संतों की भी इस कलयुग में बेकदरी हो रही है, देवताओं की भी बेकदरी हो रही है। रामायण में लिखा भी है, विप्रधेनु सुर संत ही तलीन मनुज अवतार। इन चारों के लिए भगवान ने अवतार लिया। जब इन चारों के ऊपर अत्याचार होने लगे, कौन कौन? विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवता, और संत। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आप कहेंगे इन चारों के हित के लिए औरों का क्यों नहीं? क्योंकि इन चारों का हित हो गया तो औरों का अपने आप ही हो जाएगा। हम पेड़ में पानी देते हैं, लेकिन पेड़ के जड़ में देते हैं, पत्तों में नहीं, पत्तों में तो पहुंच जाएगा। इस प्रकार इन चारों का हित हो गया ना तो सबका हो जाएगा, ये सबको संभाल लेंगे चारों। क्योंकि देवता प्रसन्न है, देवताओं का हित हो गया, देवता प्रसन्न तो अनुकूल बरसात करेंगे, अनुकूल प्रकृति होगी, तो धन धाना से भरपूर हो जाएंगे सारे, सब सुखी हो जाएंगे। ब्राह्मण संतुष्ट हैं तो पितर संतुष्ट हैं, वो संतुष्ट होकर तुमको ज्ञान देंगे, तुम समझदार बनोगे, सत्संग तुमको देंगे, वैसे मन खुश हो जाएगा सत्संग से। विप्रधेनु गाय, गाय प्रसन्न है, घर घर में गाय की सेवा होगी तो सब तंदुरुस्त होंगे, गाय माता का दूध, सब व्यवस्था बढ़िया, गोबर से खाद बनेगी और खेतों में डाली जाएगी, तो लाभ ही लाभ। और संत अध्यात्म विद्या देते हैं संत, तो ये कहीं चारों कहीं दुखी हो गए तो पूरा समाज विकृत हो जाएगा। और आज मैं देख रहा हूँ दुनिया इन चारों को छोड़ रही है, और परिणाम कितने घातक निकलेंगे पूछो मत, कांप जाओगे यदि मैं सुनाऊँ। अब टीवी का कार्यक्रम सुनाऊंगा तो घबरा जाओगे सारे, अटैक हो जाएगा। अब वो कांड होने वाले हैं संसार में, क्यों? क्योंकि इन चारों की बहुत बेकदरी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो इन चारों के लिए क्यों अवतार लेते हैं? क्योंकि यदि ये चार ठीक हो जाएं तो सारा समाज ठीक हो जाएगा, यदि चार दुखी हो जाएंगे तो सारा समाज दुखी हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। यदि चार ठीक नहीं, बहुत संत और ब्राह्मण यदि संसार में ना रहें तो व्यक्ति व्यक्ति को मार के खा जाए। अग्नि संस्कार नहीं लोग करेंगे, फिर तो कहेंगे इसको 2-3 दिन सब्जी बनेंगे इसकी, ये स्थिति हो जाएगी। ये तो संत ब्राह्मण हैं जो शास्त्र का ज्ञान दे करके लोगों को राह पे लगा रहे हैं।
तो अब हुआ क्या कि कोई भी अपने बच्चों को ब्राह्मण पना माने वो पंडताई नहीं सिखा रहा है, नौकरियां करने लगे ब्राह्मण, पंडताई नहीं सिखा रहे बच्चों को, समाज की हालत देख करके ब्राह्मण रहे नहीं। और जब पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना हो तो ढूंढते नहीं मिलते ब्राह्मण, एक ब्राह्मण पूरे मोहल्ले में किस किस को प्रसन्न करेगा, तो इतना इतना ही खिलाना पड़ेगा, उसका मन ही नहीं कर रहा खाने के, इतने घरों में कैसे खाए। पहले इतने ब्राह्मण सब पंडताई करते थे, समाज को बहुत अच्छा रास्ता मिलता, अब ब्राह्मणों ने छोड़ दिया धीरे धीरे। आजकल अपने बच्चों को कोई पंडताई सिखा ही नहीं रहा है, कहते नौकरी करो बेटा, कुछ नहीं रखा पंडताई में, ये स्थिति आ गई। तो ऐसे संतों के अब इतना घोर कलयुग है, व्यक्ति दिन रात पाप कर रहा है, दिन रात व्यक्ति पाप कर रहा है, 100 पाप कर रहा है, उन 100 में से एक भी आधा भी पाप संत से हो जाए तो उसकी धजियां उड़ा देंगे, और धजियां उड़ाने वाले स्वयं क्या कर रहे हैं। देखो ये कलयुग आ गया, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, अब वो समय आ रहा है कोई महाशक्ति आए और इन चारों को बचाए। तो आपका था कि ब्राह्मण भोजन करते नहीं, कैसे करें, ब्राह्मण अभी रहे नहीं, एक दो पूरे मोहल्ले में होता, किस किस के घर में खाए, अब ये इसी में संतुष्ट करो कि एक ग्रास ले लो बस, इतना ही बहुत।